नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। इस देश में सोचिए, अगर किसान नहीं होते तो क्या होता, अन्न कैसे उपजता, हम आप क्या खाते, आप गांव में जाकर लहलहाते खेतों की खूबसूरती कैसे निहारते, यश चोपड़ा साहब शायद लहलहाते खेतों के बीच फिल्मों की शूटिंग कैसे कर पाते, और सबसे ज्यादा इस देश की सियासत कैसे होती। आजादी के बाद से आज तक सियासत किसान पर ही तो निर्भर है, या फिर यूं कहें कि किसानों की बेबसी पर, किसानों के दर्द पर निर्भर है। सोचिए, अगर किसान कर्ज में नहीं डूबते तो सियासतदान कर्ज माफी का ढोल कैसे पीटते, अगर किसानों की जमीन विकास के नाम पर नहीं हड़पी जाती तो सियासी शोर के बगैर सियासत कैसे होती, अगर किसानों की फसल बेमौसम बारिश ने बर्बाद नहीं किया होता तो कैसे मुआवजे को लेकर सियासी होड़ मस्ती, और अगर मुआवजा आराम से मिल भी जाता तो फिर सरकार पर सवाल उठाने और हो हल्ला करने की औपचारिकता विपक्ष कैसे पूरा करता। यह सिलसिला दशकों से जारी है, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने किसान विरोधी करार देने के विरोधियों के स्ट्रोक को मुआवजे के मास्टर स्ट्रोक से जवाब दिया है। लेकिन सवाल है कि क्या यह सिर्फ सियासी मास्टर स्ट्रोक बनकर रह जाएगा, इसी पर आज बड़ी बहस। फसल ही किसानों की ताकत होती है और फसल ही किसानों को कमजोर बना देती है। बेमौसम बारिश ने देश के अन्नदाताओं को याचक बना दिया है, जो अनाज उगाते हैं उनके भूखे रह जाने की नौबत आ गई है। लेकिन परेशान किसानों के लिए एक ऐसा ऐलान हुआ है जिसे सियासी तौर पर पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक भी माना जा सकता है। पिछले कुछ हफ्तों में अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि से देश में तकरीबन 100 लाख हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो चुकी है। लेकिन देश की मोदी सरकार मौसम की तरह बेमुरव्वत होने का आरोप नहीं झेलना चाहती। पीएम ने किसानों के लिए मुआवजे की नई नीति की घोषणा की है। इस घोषणा से उम्मीद की जा सकती है कि फसलों की तरह मुरझाए किसानों के चेहरे खिल उठेंगे। राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी एक सुझाव था कि साहब ये नॉर्म्स बदलना चाहिए। हमारे मंत्री अभी जाकर के आए, उन्होंने प्रत्यक्ष देखा, और ये सब देखने के बाद एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हमने किया है कि अब किसान का वो जो 50% के नुकसान वाला जो दायरा था उसको बदल करके 33% भी अगर नुकसान हुआ है तो भी वो किसान हकदार बनेगा। उसके कारण मुझे मालूम है बहुत बड़ा बोझ आने वाला है, लेकिन किसान को 50% वाले हिसाब में रखने से उसको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। 33% जो कि कईयों की मांग थी उसको हमने स्वीकार किया है। लेकिन एक लिहाज से पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक माने जाने वाले इस ऐलान को लेकर बिहार और झारखंड के सियासी तौर पर जागरूक किसानों ने बेहद चौंकाने वाले बयान दिए हैं। अभी कोई अधिकारी ब्लॉक से कोई देखने पूछने नहीं, कोई नहीं आया है, कोई नहीं आता है। हम इनके यही पोसे लाए गए, हम इन गरीब दुखा साल भर यही करते है 12 महीना इसी। कभी कोई अधिकारी नहीं आता है, कोई नहीं, कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री का ये जो घोषणा है वो कितना, उससे आपको लगता है कि अच्छा पहल है प्रधानमंत्री जी ने किया है? ना, कभी देखबे ना किया है तो कैसे बताएंगे। राहत तो नहीं मिला है, कहे जो आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब आगे मिलेगा, वो तो सोच रहे मिलेगा तो ठीक है। हाँ। लेकिन नहीं मिलेगा तो फिर कैसे होगा? ये जो घोषणा कर किए हैं क्षतिपूर्ति के लिए, ये बहुत सराहनीय कदम उठाए हैं। लगता तो मैंने घोषणा जो की है ठीक है, किसान को लाभ अधिक से अधिक हो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन मिल पाए तब तो, ऐसा नहीं कि घोषणा हो गया मिल ही नहीं पाए तो घोषणा से क्या फायदा लाभ होगा? कुछ नहीं मिल रहा है, धान दह गया तो नहीं मिला, अब फिर ये सब तो भी जाइए रहा है, गोम भी ऐसा नहीं हुआ तो सब तो जा रहा है, मिल रहा है कुछ नहीं। हम आगे की मिल रहा है, हम सबको फायदा क्या है? फायदा होगा कि नहीं होगा जो कोई अथी नहीं है, मिल जाएगा तब हम जानेंगे। दरअसल किसानों के ये बयान अब तक के सियासी घोषणाओं की हकीकत की बानगी है। मान लिया गया है कि मुआवजे के जो ऐलान होते आए हैं वो जमीन तक बमुश्किल ही पहुँच पाते हैं। हालांकि पीएम के उम्मीदों भरे बयान से इस चुनावी मौसम में बिहार बीजेपी के चेहरे के भी खिलने की उम्मीदें हैं। भारत सरकार का ध्यान सभी बिंदुओं पर है, और किसानों की क्षतिपूर्ति को और राज्य अपने कोष से इसको क्षतिपूर्ति करेगी, और इसीलिए जो अच्छे दिन आने की बात हम लोगों ने कहा था इसकी शुरुआत अनेक दृश्यों से दिखाई दे रही है, और किसान के मामले में भी अब दिखाई दे। ऐलान तो हो चुका है लेकिन सवालों की फहरिस्त कम नहीं हुई है। विरोधी भी इसके जमीन पर उतरने का ही इंतजार कर रहे हैं। और केंद्र सरकार घोषणाओं की सरकार है, और फिर बिहार ही नहीं देश के किसानों को फिर से ठगने की इनकी मंशा हो गई है, क्योंकि बिहार में आने वाला इस यह 15 चुनावी साल है,
इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार के किसानों को फिर से ठगने का प्रयास करेंगे। वो अगर उन्होंने कहा है लागू होता है तो अच्छी बात है, इसमें बड़ी क्या बात है, 33% पर भी वो दे रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि ध्यान यही रहे कि ये सिर्फ घोषणा न रह जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से मन की बात कर चुके हैं, अब उनके मन माफिक काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या इसका राजनीतिक अनुवाद कुछ यूं है कि बीजेपी में एक किसान नेता की कमी पूरी हो गई है। नालंदा से दीपक विश्वकर्मा और रांची से मनीष मेहता के साथ पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया। बीजेपी कह रही है कि हम किसान के समर्थक हैं, हम किसानों के हित की बात करते हैं, लेकिन जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस कहती है कि मोदी सरकार किसान विरोधी है भूमि अधिग्रहण के बिल के मुद्दे पर। अब जाहिर है मोदी सरकार ने ऐलान कर एक मास्टर स्ट्रोक दिया है और सीधे सीधे कह दिया है कि देखिए साहब, हम किसानों के हित की बात करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि किसानों का विरोधी है कौन और हित की बात करता कौन है? जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस जो विरोध कर रहे हैं मोदी सरकार की, जेडीयू के अगुवाई वाले सरकार में क्या स्थिति है, ये भी आप इन दो तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। धान खरीद को लेकर कई सवाल आज भी उठ रहे हैं, जिसकी वानगी दो तस्वीरें हैं। जहानाबाद में धान खरीद नहीं होने से किसान अनशन पर हैं, उनका आरोप है कि अब तक धान नहीं खरीदा जा रहा है, पैक्स में जाते हैं तो कोई जवाब नहीं मिलता है। तो मधेपुरा में धान खरीद हुई लेकिन करोड़ों का गबन कर दिया गया, ये स्थिति है। और धान खरीद मामले की सच्चाई बयां करती इन तस्वीरों की हकीकत आप खुद सुनिए किसानों की जुबानी। किसानों का धान कम, बिचौलियों थ्रू ज्यादा। आप लोग अभी कितने दिन से बैठे हुए हैं और क्या अभी तक कुछ पहल हुआ है या नहीं हुआ है? 31 तारीख से बैठे हुए हैं, आज 6 तारीख हो रहा है, आज तक कोई पहल नहीं हुआ। कल बंदी भी था, अब आगे भी क्रियाकलाप चालू होगा, पूरे बिहार में इस ढंग का जाएगा। धान दिया गया था जिसके विरुद्ध वे लोग सी एम आर जमा नहीं किए और वे करोड़ रुपया का गबन कर चुके हैं, जिसके लिए नीलाम पत्र दायर किया गया। वो तो हाईकोर्ट भी गए, लेकिन अनंता हाईकोर्ट ही के निर्देश पर मुख्यालय का ये आया कि जो करोड़ रुपया गबन कर चुके हैं, इनसे राशि वसूली करने के लिए आप प्राथमिकी दर्ज करें, जिसके आलोक में कल 3 मिलर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और एक कर्मी के रूप आज किया गया है और तैयारी हो रही है। तो जाहिर है कई सारे सवाल हैं। सवाल ये कि अगर आप सरकार पर सवाल उठाते हैं, मोदी सरकार पर सवाल उठाते हैं, तो पीएम मोदी कहते हैं कि हम तो भाई मुआवजा दे रहे हैं, बढ़ाकर मुआवजा दे रहे हैं और क्षतिपूर्ति भी हम आपसे ज़्यादा कर रहे हैं। सरकार के अंदर बिहार में सवाल उठते हैं कि धान खरीद को लेकर आपने क्या किया, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होता है, लेकिन सवाल है कि इन सबके बीच किसानों का हितैषी असल में है कौन और किसानों का नेता है कौन? हमारे साथ आरएलएसपी के नेता हैं मनोज लाल मनु, स्वागत है सर। मनोज जी, किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान, लेकिन सवाल यही है, किसान भी पूछ रहे हैं और विरोधी भी पूछ रहे हैं, घोषणा तो आपने कर दी लेकिन घोषणा लागू हो इसमें शक है। नहीं, सबसे पहले तो आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो किसानों के लिए जो आज घोषणा किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है और बिहार ही नहीं पूरे देश के किसानों को एक नया आयाम मिलने वाले जा रहा है। जहाँ तक उनका मापदंड था 50% जो उनकी क्षति हुई थी उसको नीचे करके 33% तक के भी जो किसान जिनकी फसल बर्बाद हुई है उनको देने का, इस दृष्टि से और स्टेट की क्या स्थिति होगी उसके वनस्पति हम बिहार पर सोचें, तो अभी हाल ही में जो आज सर्वेक्षण हुआ है सुमित जी, कि जो जिनका ये फसल कुछ बर्बाद हुआ है उसको लेकर उनका एक सर्वे सरकार ने किया है, तो सर्वे जो सरकार ने किया है तो 3 दिनों तक लगातार ऑफिस बंद रही, उसमें कोई सर्वेयर वहाँ गए नहीं और अंत में सर्वेयर लास्ट दिन मंडे को पहुँचे और उस गांव के प्रमुख लोगों से, हर कृषि सलाहकार जो बनाई है सरकार ने, बिहार सरकार ने, वो पंचायत में पहुँचकर
उसको गांव के प्रमुख लोगों से जो है उन लोगों से बात कर किसका क्या कितना क्षति हुआ बिना सर्वे किए हुए रिपोर्ट दे दिया है, और जिस कारण कई सारे किसानों के जो फसल बर्बाद हुए हैं वो उनकी सूची उसमें मिल नहीं पाई है, और उनके उनका फसल का कहीं अनुमान ही नहीं है, लोगों को सूचना ही नहीं था कि सर्वेयर आएंगे, कृषि सलाहकार आएंगे। तो जो सरकार की जो नीति रहेगी राज्य सरकार की, वह राज्य सरकार की नीति इस विषय पर कितने ज़्यादा काबिल है और कितने उनके अधिकारी किसानों के हित के लिए बात कर रहे हैं इस विषय पर उनको पहले जाना होगा, और जब तक वहां जाएंगे नहीं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो किसानों ऐसी व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी क्या मोदी सरकार की भी नहीं है या फिर सिर्फ घोषणा कर देना आपका काम? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया है उसको अमली जामा बिना हम राज्य के सहयोग से तो कर नहीं ना सकते हैं। अब केंद्र सरकार के प्रतिनिधि यहाँ आएंगे और हर एक किसानों को देखेंगे कि उनका क्या क्षति हुआ है, उसकी वो रिपोर्ट वहाँ भेजेंगे कि राज्य सरकार ने जो कृषि सलाहकार बनाया, अन्य कोई पदाधिकारियों को जो BO लगे हुए हैं, वो अगर सही ढंग से जो किसानों की फसल की क्षति हुई है उसका अगर आकलन कर नहीं देंगे, तब तक तो केंद्र सरकार का द्वारा जो घोषित मुआवजा है वो सरकार राज्य सरकार को कैसे केंद्र सरकार भेज पाएगी। ठीक है, मैं बहस को आगे बढ़ाऊं, कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन उसके बीच हम एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाना जरूरी है कि किस तरह अगर मोदी सरकार का विरोध हो रहा है तो क्या ये विरोध सिर्फ इसलिए कि हम विपक्ष में हैं, और क्या जिम्मेदारी सही तरीके से निभाई जा रही है, क्योंकि बिहार में जो सवाल उठ रहे हैं वो वाजिब सवाल भी हैं, धान खरीद को लेकर या फिर फसल जो बर्बाद हुए हैं उसे लेकर। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहानाबाद और मधेपुरा की। जहानाबाद में एक तरफ किसानों का अनशन जारी है, धान खरीद नहीं हो पा रहा है इसलिए किसान अनशन कर रहे हैं, और मधेपुरा में दूसरी तस्वीर है कि जहां पर धान खरीद में करोड़ों के गबन का मामला सामने आया है। हम दोनों खबर से जुड़े हुए बयान भी हम आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं। किसानों का धान कम, बिचौलियों थ्रू ज्यादा। आप लोग अभी कितने दिन से बैठे हुए हैं और क्या अभी तक कुछ पहल हुआ है या नहीं हुआ है? 31 तारीख से बैठे हुए हैं, आज 6 तारीख हो रहा है, आज तक कोई पहल नहीं हुआ। कल बंदी भी था और आगे भी क्रियाकलाप चालू होगा, पूरे बिहार में इस ढंग का जाएगा। धान दिया गया था जिसके विरुद्ध वे लोग CMR जमा नहीं किए और वे करोड़ों रुपया का गबन कर चुके हैं, जिसके लिए नीलाम पत्र दायर किया गया, वो तो हाईकोर्ट भी गए, लेकिन अनंता हाईकोर्ट ही के निर्देश पर मुख्यालय का यह आया कि जो करोड़ रुपया गबन कर चुके हैं इनसे राशि वसूली करने के लिए आप प्राथमिकी दर्ज करें, जिसके आलोक में कल 3 मिलर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और एक कर्मी के विरुद्ध आज किया गया है और प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी हो गई है। हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ गए हैं, आपको बता दें एक बार फिर से बड़ी बहस में जो हमारे साथ मेहमान है पैनल में मौजूद, हम उनका परिचय करवा दें आपका। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं RJD की तरफ से, प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ BJP के विधायक, नवल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं JDU की तरफ से, स्वागत है, और RLSP की तरफ से मनोज कुमार मनु हमारे साथ हैं ही। मृत्युंजय दी, आप सबसे पहला सवाल आपके आपसे ये होगा मृत्युंजय जी कि क्या ये किसान विरोधी फैसला है जो आप कहते आ रहे हैं मोदी सरकार किसान विरोधी है, किसान विरोधी है? मोदी जी ने तो ऐलान कर दिया 33% बर्बाद होने पर ही मुआवजा मिलेगा और मुआवजा 1.5 गुना। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आज जो घोषणा किया है 33% नुकसान होने के बाद भी मुआवजा मिलेगा, ये घोषणा ये कर तो दिए, अब इसका इम्प्लीमेंट राज्य में जिस तरह से आज देश में किसान आत्महत्या कर रहा है और किसान की स्थिति हो गई है, बदहाल है किसान, इस स्थिति में जब चारों तरफ से पूरे देश में किसानों पर आफत आया हुआ है, उस समय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा किया है, अब ये देखना है कि इसका लाभ किसानों तक। स्वागत करते हैं आप घोषणा का ना? देखिए, घोषणा का स्वागत ये पहल है? नहीं नहीं, पहल का ये सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, अभी तक तो साल भर में जितना घोषणा जितना वायदा किए 1 तो पूरा नहीं कर सके,
आपने आत्महत्या की बात उठाई तो आपको बता दें कि आप मुलायम सिंह यादव से के साथ जाने वाले हैं, उन्हीं की पार्टी की सरकार है यूपी में। 45 किसानों ने आत्महत्या सिर्फ यूपी में की है। देखिए, 45 किसानों ने आत्महत्या किया यूपी में। भारत सरकार जिस तरह से ये 9-10 महीने में किसान विरोधी जितने भी काम किए हैं, किसानों को इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। अब मैं मेरा सवाल जो है वो उसका जवाब दीजिए। उसका हम सवाल दे रहे हैं। जनता परिवार तो किसानों के हित और किसानों के हक हकूक के लिए बना। तो जनता परिवार की पार्टी की सरकार के दौरान 45 किसान आत्महत्या कर लेते हैं यूपी में। 45 किसान आत्महत्या किए हैं यूपी में, इसके पीछे सरकार वहाँ की यूपी उत्तर प्रदेश जिम्मेवार है, केंद्र सरकार जिम्मेवार है। ये बात मुलायम सिंह यादव जी की सरकार, मुलायम सिंह यादव जी किसानों के सबसे बड़े हितैषी नेता रहे हैं। तो फिर भी 45 किसानों की आत्महत्या कैसे हो जाती है? उसे कारण क्या है, उसे कारण में जाना होगा। यही है कि फसल बर्बाद हो गई, लेकिन फसल बर्बाद किसानों के फसल उसके मुआवजे को लेकर के केंद्र सरकार किसानों के प्रति कोई गंभीर नहीं है और किसानों की समस्याओं के प्रति पूरा चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। पूरा देश का किसान हाहाकार कर रहा है। ये सरकार सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर तो वही मेरा सवाल है कि तो आप क्या इस हाहाकार जैसी स्थिति में ये घोषणा एक सराहनीय पहल है और क्या इस घोषणा का स्वागत करते हुए? घोषणा तो हुई, देखिए घोषणा हुई, उसका इंप्लीमेंट जब तक नहीं होता है। इंप्लीमेंट राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है। राज्य सरकार का क्या भूमिका होगा? अभी तो वो घोषणा किए है, इसके बाद वो इंप्लीमेंट होगा, धरातल पर उतरेगा। उनका कोई कार्य योजना, वो सिर्फ घोषणा करके घोषणा रह जाती है। इस घोषणा का आप स्वागत तो कम से कम करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति में जो अच्छी बातें होनी चाहिए उनका स्वागत होना चाहिए और जो बुरी बातें हैं उनका विरोध होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा जो की है, उस घोषणा का समर्थन किया जाए या विरोध किया जाए, इसके पहले 2-3 बातें विचारणीय हैं। पहली बात तो यह कि इन्होंने किसानों के मुआवजे को बढ़ाकर 1.5 गुना कर दिया। प्रश्न यह पैदा होता है कि आखिर भारतीय किसानों के सामने जो कई तरह की समस्याएँ हैं, कितनी बड़ी बड़ी समस्याएँ हैं, उन समस्याओं के समाधान की दिशा में आपने कौन सा कदम उठाया है? जब आपने मैनिफेस्टो जारी किया था, जब आप चुनावी दौरे पर आप निकले हुए थे देश में, जहां तहां घूमकर महाराष्ट्र में कपास उत्पादक किसानों से आपने कुछ वायदे किए थे, बिहार और उत्तर प्रदेश में आपने गन्ना उत्पादक किसानों से कुछ वायदे किए थे, जब आपकी सरकार बन गई तो आपने रेल बजट पेश किया, रेल बजट में यूरिया का दाम सीधे 10% बढ़ा दिया। इसके पीछे आपका सिंपल लॉजिक ये था कि जब खाद महंगा हो जाएगा तो जाहिर है कि खेती भी महंगी हो जाएगी, और जब खेती महंगी होगी तो किसान खेती करना छोड़ देंगे, जब किसान खेती करना छोड़ देंगे जमीन के भाव गिर जाएंगे, और जब जमीन के भाव गिर जाएंगे तो फिर 4 गुना सस्ता मुआवजा देकर हम जमीन का अधिग्रहण कर लेंगे। तो जब आपकी पूरी कृषि नीति इस तरह की कूटनीतिक चाल से संचालित हो रही है, तो ऐसे में मुआवजे की प्रशंसा कैसे की जाए, यह सवाल पैदा होता है। दूसरी बात है कि किसानों के सामने आपने मृत्युंजय जी से सवाल किया कि उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की सत्तानशीनी के बाद पूरे देश में लगभग 4,000 किसानों ने आत्महत्या की है, लगभग 10 महीने में। सबसे ज्यादा आत्महत्या किसानों ने की है महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कपास उत्पादक किसानों ने। तो अगर आप कृषि नीति को टोटलिटी में लागू करना चाहते हैं तो फिर आप ऐसी नीति अपनाएं कि किसानों के सामने आत्महत्या की नौबत ही नहीं आए। तो उन कारणों पर प्रहार किए बिना, उन कारणों की पड़ताल किए बिना आप किसानों को लॉलीपॉप थमाकर अपने को दानवीर और दयालु प्रदर्शित करना चाहते हैं किसानों की निगाह में, तो यह मुझे लॉलीपॉप है। प्रेम रंजन जी, व्यवस्था में आपने सुधार करने की कोशिश नहीं की, मुआवजा कैसे मिलेगा, 33% तय कैसे होगा और कैसे किसानों तक मुआवजा मिल पाएगा, इसके लिए आपने कोई ठोस बात नहीं की। सुमित जी, इनको ये लॉलीपॉप ही लगेगा। जब किसानों के हित के लिए बात होगी, किसानों के फायदे के लिए जब बात होगी तो लॉलीपॉप लगेगा, इसलिए कि ये किस राज्य में किसानों के लिए कुछ कर नहीं रहे, किसान हाहाकार कर रहे हैं। एक ये ठोस कदम और एक किसानों के लिए सकारात्मक कदम और ऐतिहासिक कदम भी इसको कह सकते हैं, जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने फैसला लिया है।
33% जो 50% क्षति जमीन पर कैसे उतरेंगे, 50% से ऊपर क्षति पर जब मुआवजा मिलता था उसको घटा कर करके 33% किया गया, जो 100% मुआवजा मिलता था उसको बढ़ा कर करके 150% किया गया है। अभी पूछ रहे हैं सर, अब तक मुआवजा मिला नहीं, अब आगे क्या मिलेगा? घोषणा ये सरकार देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केवल 9-10 महीने हुए है। पूर्व की पूर्ववर्ती जो सरकार है यूपीए की सरकार, जिसके समर्थन से जिसके सहयोग से ये सरकार चला रहे हैं, किसानों को ठगने का काम किया है, किसानों के हितों को कुंद करने का काम किया है, किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर करने का काम किया है। एक सराहनीय पहल है, नो डाउट सराहनीय पहल है, लेकिन आप भी जानते हैं कि चलिए 33% आपने कर दिया, लेकिन 50% तक बर्बादी का भी मुआवजा आपको लगता है कि अब तक किसानों को सही तरीके से मिल पा रहा था? नहीं, अगर मिलता नहीं, तो शायद किसान आत्महत्या नहीं करते, इसलिए शायद व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। ठीक ठीक, आपने कहा कि अगर व्यवस्था में सुधार राज्य सरकारों को उसमें सहयोग की आवश्यकता है, अगर राज्य सरकार उसमें सहयोग नहीं करेगा तो किसानों को जो 100% जो मुआवजा है तो मुझे नहीं मिलेगा कि सर, राज्य सरकार, आज मैं उदाहरण के तौर पर प्रदेश में आपकी बीजेपी की सरकार है सुमित जी, सहयोग नहीं कर रही है क्या शिवराज सरकार? सुमित जी, महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है, नहीं हो रहा है वहाँ किसान आज, इसलिए एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट अगर सबसे ज्यादा देखेंगे पूरे देश में तो सबसे ज्यादा गुजरात और मध्य प्रदेश में है एग्रीकल्चर ग्रोथ। आज देखेंगे छत्तीसगढ़ में चावल का इतना खेती किसान कर रहे हैं। मुझे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बता दीजिए, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बता दीजिए मुझे, मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो क्या वहां की सरकार आपको सहयोग नहीं कर रही है? एग्रीकल्चर का ग्रोथ पूरे देश में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट आप कुछ भी बताइए सर, किसानों की आत्महत्या क्या मसला नहीं है? हम ग्रोथ रेट को देखकर खुश होते रहे और किसान मरते रहे, किसान कहां मर रहे? किसान वहां नहीं मर रहे, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में मर रहे, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, यूपीए की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी आत्महत्याएं वहां कर रही है, मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में, महाराष्ट्र में आज हमारी सरकार बनी है, अब उसके बाद मध्य प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश जब तक कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में यूपीए की सरकार थी, महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश वहां आत्महत्याएं हो रही थी, मध्य प्रदेश किसानों को नहीं देखा जा रहा, मध्य प्रदेश में बताइए, नहीं मध्य प्रदेश में किसान खुशहाल है, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट सर हाल ही में, हाल ही में किसानों की आत्महत्या की खबरें आई हैं, किसानों को आप चाहे तो पता कर लें, आप चाहे तो पता कर लें किसानों की आत्महत्या की खबरें आई हैं, आंकड़ा मैं भी नहीं दावा कर सकता हूं, लेकिन किसानों ने आत्महत्या की है, कहीं कहीं एकाध जो हो जाए उदाहरण के तौर पर उसको आप नहीं लेंगे, एकाध किसानों की सबसे उनकी कीमत, उनकी जान की कीमत नहीं है, एकाध किसानों की जान की कीमत नहीं है सबसे ज्यादा, प्रेम रंजन जी एकाध तमिलनाडु में देखे, कर्नाटक सर मुझे इतना बताइए, सबसे ज्यादा आपने जो कहा है एकाध किसानों की जान की कीमत नहीं है, एकाध किसान मर रहे हैं, ठीक है, उसके प्रति सरकार संवेदनशील है और गंभीरता से उनकी समस्याओं को समाधान करती जो कहा है, लेकिन दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा राज्य सरकार अगर सबसे ज्यादा किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आत्महत्या आज उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, जहाँ जहाँ मुलायम सिंह की सरकार है और इनके सहयोगी होने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में देखा जाता है, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, बिहार में किसानों की, सुमित जी एक मिनट जरा सा सुनिए, मैं बिहार पर आता हूँ सर, बिहार पर आता हूँ, सुमित जी देखिए मुझे लगता है कि बीजेपी के नेताओं पर इस बात के लिए रिसर्च होना चाहिए कि बड़ा से बड़ा झूठ आसानी से कैसे बोल लेते हैं। महाराष्ट्र में पिछले 7 महीने में 500 किसानों ने आत्महत्या की है और यह मैं आधिकारिक आंकड़ा बता रहा हूं। दूसरी बात है कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है आज तक भारत में 10 महीने में बीजों के दाम, खाद के दाम, पेस्टिसाइड के दाम इतना नहीं बढ़े जितना आपकी सरकार में बढ़ी। ये आपकी सरकार में हुआ कि यूरिया लेने के लिए किसानों के बीच मारपीट हुई और थाने में FIR तक दर्ज हुआ। मूल प्रश्न यह पैदा होता है सुमित जी, मूल प्रश्न यह पैदा होता है कि आप टाटा को नैनो फैक्ट्री लगाने के लिए 0.1% की दर पर आप लोन देते हैं, किसानों के लिए जो आप लोन देते हैं उसकी दर क्या है, बिहार की जनता आपसे जानना चाहती है। दूसरी बात यह कि आप फसल मुआवजा दे रहे हैं किसानों को, चलिए यह सराहनीय कदम हो सकता है, लेकिन आपकी एक और मंशा यह है कि जब किसानों से आप जमीन ही छीन लेंगे, जब भूमि अधिग्रहण के माध्यम से किसानों को कंगाल बना देंगे, किसानों को आप दिहाड़ी मजदूर बना देंगे, रिक्शा खींचने वाला बना देंगे, तो फिर वह किसान मुआवजा लेकर क्या करेगा और मुआवजा लेकर कैसे? तीसरी बात है सुमित जी कि नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि भारत के 62% किसानों की आमदनी
मुख्यतः मनरेगा द्वारा अर्जित आय से प्राप्त होती है, लेकिन आपने मनरेगा की जड़ पर ही प्रहार कर दिया। अब भारत का किसान भूखे मरने की स्थिति में आ गया है। तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देश की जनता जानना चाहती है। केवल ऊंची आवाज में चिल्ला देने से और झूठा आंकड़ा पेश करने से कि तमिलनाडु में ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे, नहीं, मध्य प्रदेश के मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, मैं एक लाइन और बोल दूं सुमित जी, मध्य प्रदेश में जब किसानों ने आत्महत्या की 3 दिन पहले भिंड के कलेक्टर ने कहा कि अगर किसान 5-5 बच्चा पैदा करेंगे तो मरेंगे ही। ये भिंड के कलेक्टर का स्टेटमेंट था। आपने क्या कार्रवाई की? मैं वही कह रहा हूं, दूसरा कैलाश विजयवर्गीय इनके मंत्री हैं, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश के किसान फसल में ओलावृष्टि और अतिवृष्टि के चलते नहीं मर रहे हैं, बल्कि अपने निजी कारणों से आत्महत्या कर रहे हैं। भाई, देश की जनता जानना चाहती है कि वो निजी कारण केवल मध्य प्रदेश के किसानों के साथ क्यों हैं? ये भी है, बिल्कुल सवाल ये भी है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, कहीं का भी किसान 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 है और आत्महत्या अगर कर रहा है तो वहां की सरकार भी जिम्मेदार है और केंद्र सरकार भी। तो आप क्या ऐसे में मानेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लूं उससे पहले छोटे से जवाब में, कि यूपी सरकार भी जिम्मेदार है? नहीं, देखिए, यूपी सरकार, मुझे जहां तक जानकारी है, यूपी ने किसानों ने आत्महत्या की। 35 किसानों ने आत्महत्या की, 45 का एक आंकड़ा अनऑफिशियल है लेकिन 35 ऑफिशियल है। सर, मैं समर्थन कर रहा हूं लेकिन अंतर समझ लिया जाए। आत्महत्या की खबर मिली, यूपी सरकार ने तुरंत उच्च स्तरीय बैठक की, सरकार जिम्मेदार है, केंद्र की सरकार को खबर मिली, मंत्रियों का टीम भेजा गया, जिम्मेदार है, उसके बाद आकर रिपोर्टिंग हुई, जिम्मेदार है। कार्यशैली में अंतर है, ये नजरिए फर्क आ रहा है, कार्यशैली में अंतर है, नजरिए फर्क आ रहा है, ध्यान देने की आवश्यकता है, नजरिए में फर्क आ रहा है, फिर यूपी सरकार भी जिम्मेदार है तब? नहीं, नजरिए में फर्क नहीं आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, अपने अपने सहूलत के हिसाब से किसानों के दर्द को देखने की आदत कब जाएगी सियासतदानों में, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। कर्ज माफी, मुआवजे का ऐलान और तमाम ऐसे ऐलान किसानों के लिए होते रहे हैं, लेकिन सच यही है कि इतने ऐलान होने के बावजूद भी किसान खुदकुशी करने को क्यों मजबूर हैं? दशकों से यही सिलसिला चलता आ रहा है। सवाल, क्या व्यवस्था में कमी है और क्या उस व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत नहीं है सिवाय इसके कि आप घोषणाएं सिर्फ करें? मनोज जी, ये सवाल लाजमी है कि अगर आप, चलिए मैं मानता हूं कि 50% बर्बाद होने पर भी अब तक मुआवजा दिया जाता रहा है, किसी भी सरकार को मुआवजा, लेकिन जमीन पर क्या मिल पा रहा था किसानों तक? और किसानों तक शायद मिलता तो आज जो किसानों की प्रतिक्रिया है यह ऐलान पर, वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, शक जाहिर कर रहे हैं कि मिलेगा कि नहीं, घोषणा तो कर दी है दिल्ली में। सुमित जी, केंद्र सरकार ने घोषणा किया किसानों के सहायता या अन्य योजनाओं को भी, लेकिन उसको धरातल पर लाने के काम में अहम भूमिका, अहम भागीदारी राज्य सरकार की होगी। अगर राज्य सरकार इस दिशा में अगर प्रयत्नशील नहीं होगी कि ऊपर में बीजेपी की सरकार है तो नीचे में हमारी दूसरी पार्टी की सरकार है, इसको हम नहीं देंगे, तो ये सफरिंग तो किसानों को ही होगा ना। अभी ना मैंने आपको हाल में बताया कि अभी जो कृषि सलाहकार पंचायतों में हैं उनको जिम्मेवारी दी गई कि जो कृषि के का जो आज नुकसान हुआ है उसके सर्वे करके दीजिए। अंतिम दिन लोग पहुंचते हैं, कहा कि 3 दिन तो ऑफिस बंद था, गांव के अंदर जो प्रमुख लोग हैं जो है उनके घर पर बैठे, किसका क्या किसान है, और सोमवार को उसको उन्होंने सबमिट कर दिया राज्य सरकार को। अब उसी सूचना को राज्य सरकार केंद्र को भेजेगी तो उतना ही तो वहां से योजना उनके मद में उनकी राशि आवेगी, लेकिन इससे तो आम किसान प्रभावित हो गए हैं ना। आप कहते हैं किसान विरोधी, लेकिन आपकी सरकार के दौरान भी तो बहुत कुछ ऐसी बात है जो आप पर कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं। अच्छा सुमित जी, आप एक बात बताइए, हमने कोई ऐसा कानून बनाया कि हम बिहार के किसानों की जमीन छीनकर पूंजीपतियों के बीच बांट देंगे? एक दूसरी बात है, हमने कोई ऐसा कदम उठाया जिससे किसानों का खाद महंगा हो जाए, किसानों की बिजली महंगी हो जाए, किसानों का पेस्टिसाइड महंगा हो जाए? हमने बोला जाए मैं बार बार उस मुद्दे पर, चलिए आपने ठीक है कानून नहीं बनाया, लेकिन क्या किसानों का दर्द दूर हो पाया? और मौजूदा स्थिति की मैं बात करता हूं सर, न ज़्यादा इतिहास में न भविष्य में, मैं मौजूदा स्थिति की बात कर रहा हूं। धान खरीद को लेकर ही मैं जहानाबाद की तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जहानाबाद में
किसान एक वानगी के तौर पर है, आप ये कहिएगा जहानाबाद का मसला है, किसान अनशन कर रहे हैं, पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं धान खरीदी को लेकर, क्योंकि इनके धान नहीं खरीदे जा रहे हैं 9 दिनों से। जो मनोज जी शायद बात उठा रहे हैं वो लाजमी है, वो वाजिब है। सुमित जी हमारा आपका सर्वे तक नहीं हो रहा है फसल बर्बादी के दौरान, आपकी व्यवस्था ये है, ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं ना? जी जी जी। तो मैं आपको बता दूं कि जहां तक तस्वीर है, यही तस्वीर है जी जी, मैं जानता हूं, मैं जहानाबाद से की घटना से परिचित हूं। जहां तक धान खरीद का प्रश्न है, अब तक बिहार में धान खरीद की जो केंद्र सरकार के द्वारा तिथि तय की जाती थी, सुमित जी आप यह जानते हैं कि प्रायः अप्रैल के अंत तक धान की खरीद होती थी। इस बार जानबूझकर 31 जनवरी का डेट तय कर दिया गया। 31 जनवरी के बाद ऐसे ऐसे डेट को बढ़ाया जा रहा है जैसे लग रहा है कि हम बिहार पर एहसान कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं। दूसरी बात है कि बावजूद इसके राज्य सरकार ने अपनी तत्परता से लगभग आज की तारीख तक 30 लाख टन के लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 18-19 लाख टन की खरीद हो चुकी है। 13 लाख टन का आंकड़ा आज से लगभग एक महीना पहले ही आ चुका था। अद्यतन आंकड़ा यह है कि 19 लाख टन की खरीद की जा चुकी है। मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा जी, 31 मार्च तक मेरे ख्याल से आपने लक्ष्य रखा था 30 लाख, ठीक है, केंद्र सरकार ने, चलिए आप कहेंगे कि केंद्र सरकार ने दिया था, लेकिन राज्य ने कहा था कि हम 30 लाख तो पहुंच जाएंगे, और नहीं तो कम से कम हमारा लक्ष्य है कि 20 से ऊपर हम, मैं आपको बता दूं कि 31 मार्च तक हम 19 लाख से पहले ही 20 से ऊपर 19 लाख को क्रॉस कर चुके हैं, जहां तक मेरी जानकारी है सुमित जी। 20 से ऊपर करने की बात कही थी सर, मैं कभी भी गैर आधिकारिक, मैं अनऑथेंटिक बात मैं नहीं बोलता हूं, आप आंकड़ों का मिलान कर लेंगे, 19 लाख का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं। और दूसरी बात है सुमित जी, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, उसमें भी मैं आपको कह दूं, मधेपुरा में कुछ और जगहों से भी, मधेपुरा में करोड़ों के घोटाले की बात हुई है, आनंद फानंद में खरीद का नतीजा ये है, जहानाबाद में पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। तो क्या आपने अपनी व्यवस्था दुरुस्त कर ली है किसानों के हित को लेकर? सुमित जी, पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट तरीके से चलाने के लिए हमने तो यह नियम बनाया कि किसानों से जो धान का क्रय किया जाएगा 24 घंटे के अंदर RTGS के माध्यम से उनके खाते में भेज दिया जाएगा। हमने तो पूरी तत्परता और पारदर्शिता बरतने का प्रयास किया, बावजूद इसके जमीन पर है सर, और अगर कोई डिफॉल्टर आता है सामने तो रत्ती भर भी हम रियायत नहीं देने जा रहे हैं, कोई मुरव्वत नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि सुमित जी रत्ती भर रियायत नहीं देते अखबारों में, अगर सर आप रत्ती भर रियायत नहीं देते तो मेरे ख्याल से जहानाबाद में 1 दिन के अनशन के बाद ही आपका सिस्टम तुरंत एक्टिव होता और उन किसानों को 9 दिनों तक अनशन पर नहीं बैठना पड़ता, और अभी भी अन्नदाता भूखे बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। आपको लगता है कि सिस्टम आपका काम कर रहा है? देखिए, अन्नदाता हमारे लिए भी परम आदरणीय है, और बिहार के सारे किसानों के प्रति हमारे मन में भी उतनी श्रद्धा है जितनी श्रद्धा आपके मन में है। लेकिन मूल प्रश्न है कि धान खरीद की तिथि तय कौन करता है? धान खरीद की तिथि केंद्र सरकार तय करती है। और कितना लगेगा? और आपको आपका सिस्टम किसानों की बात सुनने में कितना वक्त लेगा? किसानों की बात सुनने में 1 सेकंड भी देर नहीं। तो 9 दिनों से वो किसान अनशन पर बैठे हुए हैं। जिला प्रशासन उनके संपर्क में है। किसानों की वाजिब समस्या है, उनके समाधान की दिशा में ईमानदारी से हम प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करते हैं कि हाथ पर हाथ धर के बैठे, प्रयास करते तो 9 दिनों से अनशन नहीं बैठना पड़ता उन्हें। कई सारे केंद्र राज्य संबंधों में कई सारी बातें सुमित जी ऐसी होती है कि केंद्र सरकार अपनी गलतियों का ठिकरा राज्य सरकार पर फोड़ देती है और राज्य की जनता को दिग्भ्रमित कर देती है। यही तो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी व्यवस्था में भी कमियां हैं, आप क्यों नहीं स्वीकार करते? हम तो अपनी व्यवस्था की खामियों पर आपसे भी प्रस्ताव आमंत्रित करते हैं, सुझाव आमंत्रित करते हैं, जो भी खामी दिखाई दे आप लीजिए, आप दीजिए, मैं दिखा रहा हूं सर। मैं ये झूठा दावा 9 दिनों तक अगर किसानों को अनशन पर बैठना पड़ता है तो ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, मैं सुन लिया आपका सवाल, सुन नहीं पा रहा है। मैं सवाल को सुन लिया आपके सवाल को बढ़िया से सुन भी लिया और समझ लिया। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि हम में कोई त्रुटि नहीं है, हम में कोई खामी नहीं है, लेकिन आप हमें कोई भी मेरी जो त्रुटि है आप बताएं, हम उसका निराकरण करने के लिए तैयार हैं। और बिहार में समाजवादियों की सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, और किसान और कृषि की भलाई हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर है। भाई साहब, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, समाजवादी की बिहार सरकार एक कृषि प्रधान राज्य है, और वहां पर 35 हमारे पास और क्या संसाधन है? हमारे पास कृषि को छोड़कर संसाधन है क्या? हम विकास करेंगे तो किसका करेंगे? पूंजीपतियों का करेंगे? हम तो किसानों का ही विकास करेंगे, कृषि का ही विकास करेंगे। भी घोषणा करती है क्योंकि हमारी आमदनी का मूल स्रोत ही वही है। सवाल मेरा उसमें भी तरह के कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है जी। राज्य सरकार पर आप डाल देंगे, आप कहेंगे कि हमने तो घोषणा कर दिया, राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि सिस्टम में बिना सुधार किए तमाम बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देने भर से किसानों का फायदा हो जाएगा क्या? नहीं, देखिए सुमित जी, सबसे पहले
धान खरीद का जो मामला है बहुत गंभीर मामला है। पिछले साल भी राज्य में 65 लाख मेट्रिक टन धान की उपज हुई और 30 लाख मेट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और मात्र 13 लाख मेट्रिक टन धान खरीदे गए, जिनका आज तक एक साल नहीं, हो गया आप, अपने काम उनका, नहीं, आप फिर जो है बीच में नहीं करें बीच उसमें भी जो है आज तक उनकी कीमत जो पैसा होना चाहिए वो नहीं मिल सका है। दूसरी बात, इस साल भी 70 लाख मेट्रिक टन राज्य में धान खरीद हुआ है और हर साल 31 मार्च तक धान खरीदने का तिथि तय होता है। 30 लाख मेट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य इस साल भी निर्धारित हुआ, लेकिन अभी तक 31 मार्च बीत गया, आज 7-8 अप्रैल है और राज्य सरकार ने केवल 14 लाख मेट्रिक टन धान खरीदा और धान वो भी खरीदा है जो किसानों से नहीं खरीदा है, बिचौलियों के माध्यम से खरीदा है। अगर धान खरीद होती तो जहानाबाद में किसान अनशन पर नहीं बैठते, बिक्रम के किसान अपने धान को नहीं जलाते बिचौलियों के माध्यम से या औने पौने धाम में किसान धान नहीं बेचते। राज्य सरकार सवाल उठा रहे हैं वही सवाल मैं पूछ चुका हूं। नवल जी कह रहे हैं कि त्रुटियां हैं, लेकिन यही त्रुटियां आपने भी नहीं दूर की, तमाम पार्टियों ने भी नहीं दूर की। हां यह बात है कि तमाम पार्टियां बड़ी बड़ी घोषणाएं करने सामने आती हैं और ढोल पीटती हैं, आप भी तो वही कर रहे हैं। नहीं, उस भारतीय जनता पार्टी आप अगर 33% बर्बादी पर मुआवजा देने की ऐलान कर रहे हैं तो आप क्या गारंटी दे रहे हैं कि वो मुआवजा किसानों तक मिल जाएगा? जरूर, और सही जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी किसानों के हितों का ध्यान रखती है, किसानों के हित का ख्याल रखती तो है, तो उस प्रकार से आज आप कह रहे एक अहम फैसला राज्य सरकार का सहयोग अहम फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। हाँ। और अगर जो है से राज्य सरकार का उसमें सहयोग नहीं मिलेगा, केंद्र सरकार कोई ऐसा निर्णय भी लेगी जिससे सीधे सीधे तौर पर किसानों को उसका लाभ मिल सके, किसानों के हितों की रक्षा की जा सके। राज्य सरकार अगर नाकाम होती है, फेल होती है, तो केंद्र सरकार नाकाम होती है ना, तो क्या उस राज्य सरकार में बिहार यूपी के अलावा मध्य प्रदेश भी शामिल है जहां किसानों ने आत्महत्या की है, वो भी आपको सहयोग नहीं कर रही है? वहां की सरकार भी, महाराष्ट्र की सरकार भी क्या सहयोग नहीं कर रही है जहां 7 महीने में सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या कर ली? नहीं, आज जिस प्रकार से जो ऐसे ओलावृष्टि हुआ है, अतिवृष्टि हुआ है या अन्य चीजों से वहां के फसलें नुकसान हुई है, वहां के सरकार तुरंत और डिसीजन लेकर करके और उनके मुआवजे का ऐलान किया है और ऐलान किया है, मिला नहीं, नहीं किसानों को मिल रहा है, इंतजार में मिल रहा है, अपनी जान दे दी बिहार की तरह आप अन्य राज्यों को जान दे दी उन्होंने, बिहार में नहीं हो रहा है, छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा है, गुजरात में नहीं हो रहा है, बिहार में आज तक वो बात नहीं है, किसानों को महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में आज आपकी सरकार है तो क्यों नहीं किसानों की खुदकुशी आपकी सरकार के आने के बाद रुक पाई या कम हो रहा है? वहां आप जब देखेंगे एग्रीकल्चर ग्रोथ सबसे ज्यादा अगर देखेंगे कि पूरे देश में अगर जो ऐसे भारतीय जनता पार्टी राज्यों में है जीडीपी का आंकड़ा इसी से दिखाते रहे, आप निर्भर करेंगे देखने में बहुत किसानों के कहीं ना कहीं किसानों के हितों का ख्याल रखा गया, किसानों की समस्याओं का समाधान किया गया है तब उनका एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ा है। बात आपको बोलते हैं, एक मिनट का समय देते हैं, अगर आप रिलेवेंट बात बोलते हैं आपको, देखिए हमारी सरकार, ये बिहार सरकार की बार बार चर्चा कर रहे हैं, बिहार सरकार ने, मध्य प्रदेश की आपने चर्चा की, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसानों से मात्र 15 क्विंटल धान तक की ही खरीद होती है, उससे अधिक धान की खरीद नहीं होती है। बिहार ने 300 रुपया प्रति क्विंटल बोनस दिया, आपके मध्य प्रदेश ने कितना बोनस दिया आप बताइए बिहार की जनता को। दूसरी बात मैं आपको यह बता दूं कि आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य का 1.5 गुना देने की बात कही थी, आपने वृद्धि कितना की, चावल और गेहूं मिला के 50 रुपया, जो कुल लागत का लगभग 4-5% के बीच बैठता है। भाई साहब, सरकारी कर्मचारियों को 107% डीए भत्ता मिलता है और किसानों के मध्य में आप 3-4% की वृद्धि कर रहे हैं और किसान हितैषी होने का दावा कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, आंकड़े आपके विपक्ष में जाते हैं और आपको किसानों की रहनुमाई करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है। मुआवजे का ऐलान, कर्ज माफी का ऐलान बहुत होता रहा है, बहुत आपने की है, लेकिन क्या स्थायी समाधान के लिए यह जरूरी नहीं कि फसलों की कीमत में बढ़ोतरी हो? जरूर, एकदम होना चाहिए। खेती घाटे का सौदा जो बन गया है, किसान मुनाफे का सौदा बने, किसान जो मेहनत करते हैं, जो लागत लगाते हैं, उस लागत का मूल्य उनको मिलना चाहिए, सरकार जो है उनकी पूरी व्यवस्था आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए हो। यहाँ राज्य सरकार किसानों के प्रति अधिग्रहण की चर्चा करते हैं, लेकिन यूपीए की सरकार रहते और रॉबर्ट वाड्रा को हजारों जमीन सस्ते दर पर मांगे जवाब नहीं है, शहरों के और कृषि भूमि के नाम पर दे दिया जाता है। आज ये सवाल जवाब नहीं है, जब ऐलान किया आपके पास जवाब नहीं है, जवाब क्या दे रहे हैं?
आपने कितनी बढ़ोतरी की है? पूछिए ना कितना बढ़ा है, पूछिए। मैंने कहा 33% पर जो ऐसे आज मुआवजा मिलेगा, 50% पा लेता, कीमत की बात, डेढ़ गुना अधिक हो गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य का बता रहे हैं, आपने कितना बढ़ाया? न्यूनतम समर्थन यार सरकार पर आरोप लगाने के पहले कीरे बार में झाड़ रहे हैं। आज जो बोनस दिया जा रहा है, जो इसकी चर्चा कर रहे हैं, ढिंढोरा पीट रहे हैं कि 300 रुपया बोनस इनका दिया हुआ है। बोनस तो भारत सरकार दे रही है, भारत सरकार ने ऐलान किया है बोनस देने का। आज आप छत्तीसगढ़ में चले जाइए, किसानों का खेत में ही धान उनका जो ऐसे तुरंत खरीदा जाता है और 24 घंटे के अंदर तो कह दिया था कि अतिरिक्त बोनस ना दें। ये लेटर आया था केंद्रीय खाद्य मंत्रालय का, तो सारे राज्यों को आते ही कह दिया था अतिरिक्त बोनस ना दें। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आप के सवाल पर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, बोनस तो भारत सरकार ने ऐलान किया है। बोनस ये कहाँ दे रहे हैं? आपने कह दिया था बोनस नहीं देंगे। भारत सरकार के 300 बोनस दे रहे हैं। बोनस भारत सरकार ने ऐलान किया है देने का। अगर 1660 रुपए धान की खरीद हो रही है, ये बिचौलियों के माध्यम से 1660 में बोनस को नकारने के लिए 300 को मिला रहा है, बोनस नहीं पहुंच सके किसानों तक। ये 300 को मिला रहा है, पौने पौने दाम में किसान क्यों आज बेच रहे हैं? 300 बोनस हम दे रहे हैं, आप दे रहे हैं? किसान आज यहाँ जो ऐसे लोग धरने पर बैठे हम दे रहे हैं, आप दे रहे हैं? धान को जला रहे हैं, केवल झूठ सरासर झूठ का समाधान करते तब तो जानते हैं। माना जाए जवाब आपके पास नहीं है। नहीं, मैं आगे बढ़ूं बहस में दूसरे झूठ की खेती कब तक चलेगी भाई साहब? नहीं, इनको किसान से कोई मतलब नहीं है, ये किसानों के कोई संबंध नहीं है। आप बताइए ना, आज अगर धान खरीदे होते तो आज ये नहीं कहते 30 लाख मेट्रिक टन तय करके 14 लाख मात्र सरकार देते हैं। देखिए, वाजिब सवाल है, सरकार किसी की भी हो लेकिन सिर्फ सियासत के अलावा कुछ होता है किसानों के साथ? देखिए, बीजेपी का जो चेहरा है, किसान विरोधी जो इनका रहा है आचरण, ये सामने है। इनके पास कोई आंकड़ा है नहीं। ये बात करेंगे किसानों की, ये किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी रही है। यही हम लोग हमारे नेता कहते रहे कि जब से भारतीय जनता पार्टी है आई है सत्ता में, तब से किसान बदहाल हो गया। इनके पास आंकड़े है नहीं, ये किसान के लिए सिर्फ मुआवजा और घोषणा लॉलीपॉप दिखा करके जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल फिर वही होगा सर, बीजेपी जवाब नहीं दे पा रही है, जेडीयू की सरकार भी कह रही है कि ठीक है, नवल जी कह रहे हैं कि त्रुटियां हैं। नहीं 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 सर, मैं उस बयान को रखूंगा बार बार। नहीं नहीं नहीं, मैं ये खामियां हैं जिसे आप सुधार नहीं कर पा रहे हैं, शायद इसलिए जहानाबाद में मैं सभी पार्टियों को लेना चाह रहा हूं। उसमें 9 दिनों से अनशन पर है और समाजवादी पार्टी जो जिसकी सरकार है यूपी में, वहां 35 किसान व्यवस्था संपूर्ण दुनिया की नहीं होती है। लेकिन अगर हमें कोई खामी दिखाई पड़ती हो तो आप बताएं, सहर स्वागत है सर, हम स्वागत है, हम दूर करेंगे। हम तो प्रयास करेंगे कि हमारे राज्य के किसानों की भलाई हो। बताने की जरूरत भी नहीं, राज्य के किसानों की भलाई के मद में मेरा सवाल सीधा सा है, मेरा सवाल सीधा सा है, सुझाव का स्वागत है। क्या अपनी अपनी पार्टियां, अपनी अपनी पार्टियों की सरकार अपने अपने राज्य में बेहतर व्यवस्था लागू कर रहे तो शायद किसानों के लिए बेहतर हो जाएगा, बजाय इसके कि आरोप प्रत्यारोप करें? देखिए, किसानों के मसले पर ये किसानों के मसले पर सुमित जी किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये गंभीर सवाल है और ये संवेदनशील मुद्दे, स्वागत कीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इन मुद्दों को लेकर के किसान आज जिस तरह से बदहाल है, और नहीं करनी चाहिए राजनीति करनी चाहिए। हम क्या बोले, सरकार में ये छोड़कर केंद्र में, अरे भाई केंद्र में आप सरकार में है, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो तो जवाब नहीं दे पा रहे, बहुत बड़े हितैषी हैं किसानों के, इनके पास जवाब है, आपके पास भी जवाब नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में पास किसान आत्महत्या कर रहे हैं, यहाँ के किसान अनशन पर हैं, आपके पास भी तो जवाब नहीं। हमारे जवाब किसी के पास नहीं है सर, बिहार में किसान अनशन पर है। ब्रेक लेता हूँ सर, बिहार में मजबूरी है, अनशन पर है, क्यों है, किसानों की समस्याओं को आप जाके उनके पास जाइए सर, पहले प्रशासन जा रही है सरकार, आप तो कम से कम जाइए, चुनाव संवेदनशील है, चुनाव के समय जाइए। कुछ लोग किसानों के नाम पर राजनीति करने के लिए नवल जी, सुझाव की आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे सुझाव मांगूंगा कि व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपकी सरकार चले बीजेपी के सहयोग से चली या फिर अभी आरजेडी कांग्रेस के सहयोग से, क्या पहल की गई? और इसका एक उदाहरण आप कुछ जवाब दें उससे पहले,
जो मनोज जी कह रहे हैं, मैं उस बात में ये नहीं कि राजनीतिक तौर पर मैं उनसे सहमत हूं, लेकिन वाजिब सवाल है कि 8 दिनों से 9 दिनों से छुट्टी का बहाना लेकर या छुट्टी की बात कहकर सर्वे तक आपका नहीं हो पा रहा है, फसल बर्बादी का मुआवजा तो आप बाद की बात, आपने ऐलान आपने भी किया है। देखिए सुमित जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी पटेल जी बोल रहे थे, इनको यह भी बताना चाहिए कि जब तक ये हमारे साथ सरकार में थे तब तक हम किस मात्रा में धान की खरीद कर पाते थे और आज हम किस मात्रा में धान की खरीद कर रहे हैं, पहला पहलू। दूसरा पहलू यह है कि मुझे लगता है कि अगर आप किसानों को उनके उत्पादन मूल्य का सही लागत अगर दे देते हैं तो यह किसानों के साथ सबसे बड़ा न्याय होगा, सबसे बड़ा पुण्य का काम होगा। मुआवजे से किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जब किसान किसान ही नहीं रहेगा तो मुआवजा लेकर क्या करेगा। और तीसरी बात, हमारी सरकार ने यह प्रयास किया कि हम किसानों को उनके उत्पादन लागत का सही मूल्य दें और यही कारण है कि हम प्रति क्विंटल 300 रुपया बोनस भी दे रहे हैं। लेकिन यही केंद्र सरकार है, अब फिर बोले कि मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल ऑथेंटिक बात बता रहा हूं। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने चिट्ठी भेजा सारे राज्यों को कि अगर आप किसानों को बोनस देंगे तो फिर आपके यहां अतिरिक्त अनाज की खरीद बंद कर दी जाएगी। तो अब निर्णय आपके हाथ में है, बिहार के किसान जनता के हाथ में है कि इस मुद्दे पर राजनीति कौन कर रहा है। प्रेम रंजन जी के पास जवाब नहीं है, मनोज जी आपके पास जवाब कैसे नहीं है इस मुद्दे पर, आप जवाब कैसे नहीं है धान खरीद में? इन्होंने कहा, नवल जी ने, जरा एक मिनट सुन लीजिए, नवल जी ने कहा कि जब तक सरकार में थे तब कितना होता था, तो यह बात सही है कि जब तक हम सरकार में थे तो जो लक्ष्य निर्धारित होता था उस लक्ष्य तक जो ऐसे धान खरीद होती थी, नहीं, और जैसे ही हम सरकार से अलग हुए हैं उसके बाद जो लक्ष्य है उसका आधा भी नहीं खरीद होता है किसानों को। नवल जी, इसका मतलब पहले भी लक्ष्य तक धान खरीद नहीं पहुंच पाता था? नहीं, लक्ष्य तक मैं कह रहा हूं पहले लक्ष्य तक पहुंच जाते थे, धान खरीद का लक्ष्य तक पहुंच जाते थे, वह केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से भरा होता के है। बाद राज्य लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। आज ये किसान हित ऐसे बन रहे हैं, आज जब इनकी सरकार केंद्र में बनी है, इतना बताइए, अरे दिसंबर में बिहार में धान की कटाई शुरू होती है और 31 जनवरी का डेट भी आप नहीं पहुंच पाते थे, 31 जनवरी तक ही आप धान खरीद पाइएगा, आपने खुद ये माना पहले भी आप नहीं पहुंच पाते थे। नहीं, ये जो दावा कर रहे हैं कि हमारे हटने के बाद खरीद प्रक्रिया प्रभावित हुई, हम उसी का जवाब दे रहे हैं कि आपके हटने के बाद खरीद की प्रक्रिया हमने अपने स्तर पर तेज की, हमने अपने स्तर पर और बढ़ाया उसको। उस समय भी मुखिया नीतीश कुमार ही थे सर, सीएम तो नीतीश कुमार ही उस समय थे। नहीं, मैं बता दूं कि उस समय भी अगर यदि आप आंकड़े देखेंगे, उस समय भी आंकड़े देखेंगे तो नीतीश कुमार जी के व्यक्तिगत प्रश्नों से ही, हमारी सरकार के प्रश्नों से तब भी धान खरीद के लक्ष्य को पाने का ईमानदार प्रयास किया गया। और आज भी बहस का मुद्दा, मनोज जी, बहस का मुद्दा ये नहीं है, बहस का मुद्दा है कि आखिर किसान के बारे में सोचने की, अब उस समय बीजेपी इनके साथ थी कि नहीं थी, उस समय भी मुखिया वही थे, उस समय भी मुखिया वही थे, और अभी फिलहाल मांझी जी के तक भी जो इनकी सरकार रही। सीधे उन सवालों पर आना चाहूंगा जो ये कह रहे हैं, व्यवस्था दुरुस्त करना होगा, समर्थन मूल्य बेहतर करना होगा, ज्यादा देना होगा, उन सवालों पर मैं प्रकाश सिंह बादल ने हाल में घोषणा किया सर, बस एक लाइन, वक्त कम है, एक लाइन माफ कीजिएगा। प्रकाश सिंह बादल ने नरेंद्र मोदी जी को चेतावनी दी कि यदि आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद कर दिया तो पूरे राज्य में गृह युद्ध की स्थिति छिड़ जाएगी। ठीक है, मनोज जी, मनोज, ये सब राजनीति की बात नहीं, सबसे बड़ी बात है कि किसानों की समस्या पर समर्थन मूल्य नहीं, केंद्र सरकार के पास और राज्य सरकार की आपसी संबंध को भी बनाना पड़ेगा। इनका जो यहाँ से प्रस्ताव जाए, आपकी अपनी बीजेपी की जो एनडीए की सरकार है उनसे क्या संबंध नहीं है जो महाराष्ट्र में आत्महत्या कर रहे हैं किसान? नहीं, आत्महत्या का महाराष्ट्र की संख्या में कमी आई, उनकी समस्याओं का समाधान प्रदेश के अंदर भी उस तरह से नहीं है जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में हुए, जिस तरह से साउथ के अंदर में हुए, उस विषय की बात नहीं है। प्रश्न यह है कि आखिर वहाँ का जो राज्य का जो तंत्र है वह तंत्र इस ओर कितना प्रभावी होता है, प्रदेश में हुआ उसका कितना प्रभावी होता है देख लीजिए सर। किसान, वो यही दिक्कत है किसानों को, एक आंकड़े में वही बात बता रहा हूं ना, प्रदेश में वही किसान है। मेरे ख्याल से एक सवाल, मैं वक्त कम है, मैं नवल जी, मेरे उस सवाल का जवाब, जो जवाब नहीं है मैं कह दिया, मैंने जवाब नहीं है बीजेपी के पास, क्यों नहीं जवाब है सर? समर्थन मूल्य के मसले पर आप जवाब नहीं दे पा रहे, मेरे पास वक्त भी ज्यादा नहीं है, आप सीधे से जवाब देना चाहते हैं? ऐसे ऐसे कई सवाल है जिनका जवाब इनके पास नहीं है। मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए, समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है, नवल जी मेरे सवाल का जवाब दे रहा है, और आज जो ऐसे किसानों के 9 दिनों में घोषणा किया, 9 दिनों में कितने सर्वे हुए हैं फसल बर्बादी को लेकर,
देखिए राज्य सरकार अपने स्तर पर फसल सर्वे कराने के लिए ईमानदारी से लगी हुई है। आप जाकर ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करें। नहीं सर, भ्रमण करके किसानों की बात करके हम आए हैं। दफ्तर में छुट्टी होने की स्थिति में एडहॉक लेवल पर लोगों की नियुक्ति की जा रही है, एडहॉक लेवल पर काम कराया जा रहा है, अपने स्तर पर सर्वे तेजी से कराया जा रहा है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से किसी एक पंचायत में ये चले और आपकी भी टीम रहे, अगर उनका जो सर्वे हुआ है अगर वह साबित हो जाए तो आपके वक्त में राजनीति करना छोड़ दूंगा। ये सदन नहीं है आपकी राजनीति। आपको राजनीति छोड़नी पड़ेगी, आपको राजनीति छोड़नी पड़ेगी। ये सरासर गलत बयानी कर रहे हैं, सरासर गलत बयानी कर रहे हैं। मेरी आवाज की तरह ही किसानों की आवाज यूं ही दबती रहेगी। बहुत शुक्रिया, नमस्कार सर। आपके हिस्से में जो जिम्मेवारियां पड़ी हैं।